सुने हैं कि भोरवा के लंगोट में हरकते न होता है। सही कहे हैं हमारे बाबू। दिन भर तो सुरदेव सिंह के भट्टा पे ईंट थपथपाता है और रतिया में आता है तो टांग पसार के सो जाता है, तो उससे घंटा कुछ होगा। हम तो कह रहे हैं कि भोलवा से कुछ होबे होगा नहीं हमारे बाबू, थोड़ा मन टाइट करिए तो गंगा आपकी बाहों में होगी। अरे हम तो वही तरफ रहे गंगा से ब्याह करेला, रानी बना के रखेंगे रानी। जल्दी कुछ करिए अमर बाबू, रोज के रोज बैठ के कब तक ला टपकाते रहिए। अरे कुछ करिए मर्दे, चल आज आर न तो पार। अमर बाबू, गंगा रोज यही रास्ते से गुजरती है। खड़ा होके कवार रहे हो, जाओ थोड़ा जुगाड़ लगाओ। जी अमर बाबू। नहीं, 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 नहीं।
कैसा लगा टेस्ट? देख क्या रहे हो, मारो उसे। जी शुक्रिया, आपने मेरे लिए जोखिम उठाया। ये सब बगल वाले गांव के छिछोरे सब हैं, इनका रोज का यही धंधा है। आज मेरा बेटा, मेरा चिराग, मेरा एकलौता वारिश शहर से 10 वर्षों के बाद घर लौट रहा है। उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है विजय बाबू आ गए। मुनीम जी, पूरे गांव में लड्डू बंटवाइए, मेरा बेटा आया।
इतना दुबला हो गया है। चलो नवा। अरे ये सब क्या है? अरे 10 साल के बाद आए हो गांव में, बाप रे कितने दुबला गए हो। शहर में खाए पिए के ध्यान नहीं रखता था क्या? अरे छोड़ो ना माँ। अब बेटा आ गया ना, घर ले जाओ, खूब खिलाओ पिलाओ। चलो बेटा चलो, खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करते हैं। बेटी को पलाओ, देश को आगे बढ़ाओ, बेटी को पलाओ, देश को आगे बढ़ाओ। का हो पलम, चल दिया आंगनबाड़ी तितरी खाए। तुम तो ऐसे मत ना तो हो गंगा बाबी। अरे नहीं बलम, हम तो तुमसे ऐसे मजाक किए थे। कल शिविर है, कल जरूर आना, और मैं जा रही हूँ सबके घर घर कहने, ठीक है? ठीक है गंदा भाभी, मैं दलू लाऊंगा और सबको बता दूंगा शिविर में आने के लिए। ठीक है, ठीक है। बेटी को पलाओ, देश को आगे बढ़ाओ, बेटी को पलाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सीखो कैमल मिस, नमस्ते मीत। अरे बोला आ गया, आ वहाँ बैठो। चलिए क्या है बॉल बीज, क्या होता है? ये बोला मे बोला मीत बोली है ना, पहाड़ है यार नहीं होगा तो हलवा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तातले याद लाइला होता मुर्गी। एमी क्या हुआ? हो गया। क्या हो गया? तुम इतना बड़ा हो गया है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, शर्म उड़म नहीं आता है? अभी तो तुमको हाई स्कूल में रहना चाहिए था। मीत वहाँ थाना नहीं ना मिलता है तो आज यहाँ भी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, भागो। बच्चों तुम लोग खाना खा लो, आज जल्दी छुट्टी करेंगे क्योंकि कल गंगा भाभी का शिविर लगने वाला है, उसी को तैयारी करने जाना है। हाँ मीत, बेटी को पलाओ, देश को आगे बुलाओ। अरे बलम आओ आओ, अब से गलती ऐसा नहीं ना होगा। दान कल थोले नकलते हैं मीत। ठीक है, तुम्हारा पैंट इंतजाम करती हूँ, तुम भी खाना खा लो। मीत बेटी को पलाओ, देश को आगे बुलाओ, बेटी को पलाओ, देश को आगे बुलाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है ये सब कहते थे, जब तुमने देखा यकीन मुझको हो गया। मोहब्बत पनप रही है दिल में तेरे लिए, सुबह से ना सही तुम निगाहों से समझ लो। इससे ज्यादा तुझे और कितना करीब लाऊं मैं, कि तुझे दिल में रख कर भी मेरा दिल नहीं बढ़ता। शायद मेरे दिल को यकीन हो गया है कि तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार है। नींद आ रहा है माँ, सो रहे हैं। ओ अभी तक सोए नहीं हो, चलो उठो दूध पी लो, कल शिविर भी जाना है पिताजी के साथ। ठीक है। अच्छा जल्दी पी लो। लगता है लड़की जान लेके ही छोड़ेगी। कहाँ ढूंढे इसे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं गंगा आपके गांव की बहू और समाज सेविका, आप सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने भारी से भारी संख्या में आ करके आप लोग इस शिविर को
सफल किए हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि साप्ताहिक शिविर लगा करके क्या जानकारी दी जाती है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए दोहराते चलूं, इस शिविर में स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा आपके हित में चलाए जा रहे हैं कार्यक्रमों पर आंगनबाड़ी, पालना घर, मनरेगा आदि के लाभों पर बात होती है। आज इसका मुख्य बिंदु है ग्रामीण शिक्षा। बद से बदतर हो गया है शिक्षा का हाल। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? सरकार, सरकारी टीचर या हम सब? तीनों हैं दोषी, लेकिन सबसे ज्यादा हम सब दोषी हैं। आपके बच्चे को सरकार अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है तो आप लोग आवाज उठाने तक तैयार नहीं। अगर अच्छी शिक्षा मिल रही होती तो सरकार से हर महीने 30,000 से 40,000 रुपया उठाने वाले सरकारी टीचर प्राइवेट स्कूल से 10,000 कमाने वाले टीचर से क्यों पढ़ाते? मेरी लड़ाई सरकार से है, हम सब अपनी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। एक राष्ट्र एक शिक्षा की मांग करते हैं। आज ही पीएम साहब को खत लिखेंगे और आप सभी को साइन करना होगा। ओके, चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापे हैं मुट्ठी भर जमीन, हम सब के आगे सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि हमारे गांव के मुखिया जी सूरजदेव सिंह जी आकर के मंच पे दो शब्द कहें। अभी तक वो लड़का नहीं आया, कहां गया? अरे आगे आगे आ जाओ 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 जाओ। कर मेहरारू है वो? वो भलवा की बीबी है मलिक, जो अपना भटवा पर काम करता है। लगता है पिछले जन्म में बिलाई के छूर पूछ लेता, जो इतना सुंदर मेहरारू मिला है। नहीं नहीं नहीं, इससे तो हम प्यार करते हैं। अब मैं विजय को बुलाना चाहता हूँ, जो दो शब्द स्टेज पे आके बोले। सही कहा गया है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, ज्ञान में कोई छुआछूत नहीं होता, शिक्षा का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हम पुरुषार्थी कब हैं ये हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज मेरे अंदर आत्मविश्वास इस कदर भर गया है कि संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, और ये आत्मविश्वास भरे वाला कोई और नहीं, आप सबों की यानी मेरी गंगा जी हैं। मुझे ये जो माला पहनाकर सम्मानित किए हैं, सच में इसका हकदार तो गंगा जी हैं, और मैं गंगा जी को बुलाना चाहूंगा। आइए गंगा जी। अरे घर में दिया तो जलाते हैं ना, उसमें लाल पीला नीला रंग ही होता है ना, लेकिन ये गंगा जी उदिया हैं जिनको हर रंग में जलने आता है, और ये गांव की बहू होकर भी गांव की खुशहाली की कसम खाई है, गांव का नाम रोशन होगा। और आज आप सबके सामने हम कसम खाते हैं कि हम गंगा जी के साथ हैं,
और गंगा जी को कब छोड़ेंगे नहीं। शाम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाइए, लेकिन गंगा तो हमें चाहिए। क्या कह रहे हैं मालिक? गंगा तो हमारी गांव की बहू है। और मैं बेटा। हो गया ना फैसला, बहू बेटा आज से और अभी से गंगा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एक काम करना होगा मालिक, मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मालिक, जिस तरह शेर का शिकार के लिए बकरी का चारा दिया जाता है ना मालिक, उसी तरह से गंगा को फंसने के लिए भोलवा को बस में करना होगा मालिक। जो करना है जल्दी कीजिए, अन्यथा मुंशी जी आपका खैर नहीं। ओम शिवो, ओम मरो, ओम शिवो। सही कहे हैं मालिक, वो तो किचन में कमल है न। तो देखिए हमरा के आजो हम आपके दिहाड़ी के मजदूरी हैं, और उकरा के शहर के बड़का बड़का लोग यहाँ तक कि आपहू मालिक कितना मानने लगे हैं। तबे ना आप हमको 5,000 रुपया दिए हैं मालिक। अरे मालिक मालिक क्या लगा रखा है, अब तो तू हमार दिहाड़ी के मजदूर नहीं है। ये का कह रहे हैं मालिक? घबराओ मत भूला, बात को समझो। देखो मेरे पिताजी को विधायक का चुनाव लड़ना है, तो उन्हें एक ईमानदार और जिम्मेदार आदमी चाहिए ना, सो तुम है। इसलिए आज से तुम उनका चुनाव का करता धरता, और ये जो 5,000 रुपया है उसका एडवांस है। अब देख तोहर मेहरारू के कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अब सही कहे मालिक, उसका साथ कबो मत छोड़िएगा। अरे हम तो तारे बुर्बक गंवार, वो कितना समझदार। और जानते हैं मालिक, वो जो पिलक्का साड़िया पहनी थी ना, वो हम ही ने दिए उसको मुंह देखाई में। वो जब भी कोई अपन मन पसंद काम करने जाती है तो उकरे पहनती है। वो देखने में जितना सुंदर है उकरा से ज्यादा उकर मन सुंदर है, उकर साथ कबो मत छोड़िएगा मालिक। अरे का सोच रहे हैं मालिक, गंगा के बारे में सोच रहे हैं? वो तो है ही इतना सुंदर है। अरे छोड़ी सब, आ ये अंग्रेजी है। नहीं मालिक, ये हम आज तक नहीं पिए हैं, और ये तो आप बड़कन लोगन के चीज है। अरे भोलवा, अब तू छोट कहाँ रहा, अब तू तू हमर यानी विजय सिंह के सागिर्द हो गया है। चला पीते हैं। नहीं ना मालिक। अरे पी बोला पी, चले ले बोला पी। नहीं मालिक, गंगा खिसिया जाएगी। हम है ना, उठा। हम कभी नहीं पिए हैं मालिक। अरे उठाओ ना, वरना हम खिसिया जाएंगे। उठाओ, अरे उठा उठाओ उठाओ उठाओ। और दीजिए ना मालिक। वाह, बनाने वाले ने क्या चीज बनाया। कहा रे भोलवा, बनाने वाली ने क्या चीज बनाई।
हेलो, अरे रुकिए तो सही। ओ गंगा जी, अरे रुकिए तो सही। नमस्ते गंगा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अरे क्या कहेंगे, एक बात करना था गंगा जी, कहीं आप बुरा तो नहीं मानिएगा ना? अरे आप बोलिए तो सही, हम भला आपके कोनो बात का बुरा मान सकते हैं? तब तो गंगा जी आप बहुत अच्छी हैं। नहीं क्या है ना गंगा जी, आप बहुत सुंदर हैं। अगर आप हमको पहले मिल गई होती तो सच कह रहे गंगा जी, हम आपसे ब्याह कर लेते, लेकिन अब पछताए का होत है, इस साला भोलवा चुग गया खेत। समझे, आप हो पछता रहे हैं ना, लेकिन अभी यो कुछ ना बिगड़ा है गंगा जी। अरे आपका तो एको का बाल बच्चा है नहीं, और हम आपसे प्यार करवे करते हैं, तो काहे नहीं हम दोनों शादी कर ले। विजय बाबू, तो तेरी की जय हो, हम एकदम बुड़बा के हैं, यहू सब बात कहीं ऐसे बतियाल जाता है। विजय बाबू आप घर जाइए, हमें ब्लॉक जाना है, हमें कुछ काम है, हटिए मेरे रास्ते। नहीं गंगा जी, हम सच कह रहे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जब से हम आपको देखे हैं ना, हमको प्यार हो गया है। कहीं आप भोलवा के चक्कर में तो नहीं ना हमको ना कर रही हैं? वो कुछ नहीं बोलेगा, जैसे हमारा नाम सुनेगा ना कुछ नहीं बोलेगा। सच कह रहे हैं गंगा जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार हाँ कह दीजिए ना, नहीं तो हम सोचते सोचते मर जाएंगे। बोलिए ना गंगा जी, हाँ कीजिए ना। हटिए, जाने दीजिए। अपनी तो समझदारी है नहीं, कोई प्यार से दो बात क्या कह दिए, आ गए उसकी बातों में। क्या जरूरत थी शराब पीने की? नहीं चाहिए हमें रईसों वाली जिंदगी और उनका साथ, हम जैसे हैं वैसे सुखी हैं। अरे अब गुस्सा थूक भी दो, हम अब कबूतर छुएंगे तक नहीं। विजय बाबू को माना करेंगे तो वो समझ जाएंगे, वैसे तू तो खुदे समझदार है, बाकी लाज बचावे खातिर कबो कबो निर्लज बने पड़ता है। वैसे विजय बाबू है अच्छे आदमी। पानी और दवाई यहीं पर रखा है, टाइम पे ले लीजिएगा, और नहीं तो किसी के बहकावे में आकर के फिर शराब पी करके पड़े रहिएगा। हम गनौरी भैया का घर जा रहे हैं, उनकी वाइफ पेट से हैं, उनको लेकर के हॉस्पिटल जाना है। का मतलब साली हमको इशारा में हाँ कह के गई, साला काला कबाब में हड्डी जिंदा है, मर जाता साला। We'll be right back.
गई गंगा रानी। अरे अब घर जाने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हम आपका इशारा समझ चुके थे। बार बार आँख का मिलना, आपका पल्लू का सड़कना और ये पिलक्का साड़ी। बोलवा हमको सब कुछ बताया था कि जब आप कोनो अच्छा काम करे जाती हैं तो ये पिलक्का साड़ी पहनती हैं। आओ आओ चलो बैठो बैठो, चलो चलते हैं भट्ठा पर बैठो। विजय बाबू लगता है आप अभी तक होश में नहीं आए हैं। अरे तो फिर होश में आना कौन चाहता है। अरे आपसे ब्याह करके हम तो सारी उम्र भी होश होना चाहते हैं। विजय सिंह। अरे वाह, पहले विजय बाबू और अब विजय सिंह। अरे आप तो हमको विजयो कह सकती हैं, काहे कि हम तो आपके गुलाम हैं। देखिए। अरे हम तो देखिए रहे हैं। आप समझदार होके भी काहे नहीं समझ रहे हैं। अरे हम तो आप जैसन विधवा से ब्याह करके आपका जीवन संवारना चाहते हैं। आप भी खुश और हम भी मस्त। मतलब? अरे मतलब राम नाम सत कर दिए भोलवा। ये क्या कर दिए विजय बाबू? सब रोना धोना छोड़ो गंगा, चलो अब चलते हैं भट्ठा पर। चलो चलते हैं भट्ठा पर चलो। हारने की डर से जीतने की कोशिश नहीं करना ये पाप है, और आज तक विजया कभी हारा नहीं है। मान गए गंगा रानी तिरिया चरित्र के हसीन बहाने, जब भगवान न जाने तो ये विजया का जाने। बाप रे बाप। पूरा गांव एक साथ? ये क्या बोलेगा मुनीम के बच्चा? अभी अभी नरेश के बेटा बोला था कि हमने तो फैसला कर लिया है कि हम गंगा के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, इनकी हर विपत्ति में रक्षा करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रुकिए, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मार ही दीजिए क्या? हमारा एक ही बेटा है, पहले उसे बुला के समझाइए और हो सके दो चार थप्पड़ मारिए। जान से मारिए मत, नहीं मारिए, मत जाइए, मत जाइए, माफ कर दीजिए उसे, मत जाइए। दयावंती, हम राजपूत हैं, आन वान शान के साथ जीते हैं। इतिहास गवाह है कि हम राजपूत अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी देश की माँ बहन बहू बेटी की रक्षा किए हैं।
गंगा मेरी गांव की बहू है, मेरी बेटी है, उसकी आबरू बचाने के लिए ऐसे एक बेटा क्या, सौ सौ बेटा कुर्बान, उसे मरना ही होगा। वो मेरा एक ही बेटा है, आपका वंश है, इस घर का चराग है, आपका बारिश है, छोड़ दीजिए उसे, मत मारिए, उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, वो गलत नहीं है, वो सिर्फ गंगा से प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है गंगा से। दयावंती, प्यार 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 नहीं है, वो पागल हो गया है। जो हमारे खानदान में पागल हो जाते हैं उसे या तो पिंजरे में बंद कर दिया जाता है या हमेशा के लिए उसे चैन की नींद सुला दिया जाता है, उसे मरना ही होगा। अरे गंगा, गौर थोड़ी ना पूछ रहे हैं, लो छोड़ दिया तूने, लो चलाओ, छोड़िए, आओ बैठकर बात करते हैं, आओ ना बैठकर बात करते हैं, प्लीज कहो ना, एक बार कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज बोलो ना। एक बार मुझसे प्यार, आप बहुत गंदे हो, आपने तो मेरे पति को भी मार डाला। मैं कुल खानदान की बेटी हूँ, माँ बाप ने जिसके साथ हाथ धरा दिया मैं उसी के हो गई, चाहे वो जैसा भी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, तन मन से उसी का हो गई, आपने तो उसे भी मार डाला, आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा। आपको हाय लगेगी, अब तड़प तड़प के मरिएगा। गंगा बोलो जल्दी, न जाने क्यों गंगा को दूषित करने वाले ये भूल जाते हैं, इन जैसे लाखों करोड़ों पापियों के पाप रोज धोती हैं, फिर भी हमारी गंगा पवित्र है।